नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समाज सेवी मालती विश्वास ने आशा वर्करों के चल रहे अनिश्चितकाल धरने पर पहुंचकर धरने प्रदर्शन का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा वर्करों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। आशा वर्करों ने कोरोना महामारी में मेहनत से काम किया है, सरकार उनके हक का हनन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आशा वर्करों के साथ हमेशा खड़े हैं और उन्होंने कहा कि हमारी ओर से आशा वर्करों के लिए जो भी संभव मदद हो सकेगी उनके लिए पूरी मदद की जाएगी। धरने पर पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मालती विश्वास ने आशा वर्करों का मनोबल बढ़ाया। सिदारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। मांग है, आज महंगाई तो बहुत हो रहा है, आप हर चीज़ महंगा है। आप देखिए, आपका गैस सिलेंडर आपको हो गया 900 रुपया, एक लीटर तेल हो गया 200 रुपया, आप एक लीटर डीजल हो गया आपको 100 रुपया, पेट्रोल हो गया 100 रुपया, हर चीज़ महंगा हो गया। इस बारे में इसको जो इसको तनख्वाह मिलती है बहुत उसमें कमी है। उनको मांग उनको थोड़ा महिला है, महिला के समर्थन में आशा वर्कर्स के साथ